हेलो एवरीवन. सो एक बहुत कॉमन सा मिसकंसेप्शन है जो बहुत सारे फेवरेट सेलर्स ना आपके दिमाग में घुसा देते हैं, जो आप लोगों को लगता है कि यार मैं पिट टाइप लूं कि पिटलेस लूं, क्या दोनों के एक्यूरेसी में कोई डिफरेंस है? बट लेट मी टेल यू कि एक्यूरेसी पिट टाइप या पिटलेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता. दिस इज रियली रियली रॉन्ग. अगर आप इसके बारे में कोई तरीके से सोच रहे हो कि आपके पास एक रेफरेंस है कि आपके भाई के यहाँ पर ऐसा कांटा लगा है जो पिट टाइप है, ऐसा वेवरेज लगा है जो पिट टाइप है, अब ये आप सोच रहे हो कि यार उसके वेवरेज पे ना हमेशा वेट डिफरेंस आता है, सो लेट मी टेल यू, आप यहाँ पर पिट टाइप को मत दोष दें. इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट हिज फाउंडेशन इज द प्रॉब्लम, हिज वे ऑफ इंस्टॉलेशन इज द प्रॉब्लम, हिज स्ट्रक्चर इज द प्रॉब्लम, हिज लोड सेल इज द प्रॉब्लम. इट इज नॉट द फाउंडेशन टाइप विच इज पिट टाइप और पिटलेस इज द प्रॉब्लम. सो पिट टाइप एंड पिटलेस हैज नो एक्यूरेसी रोल टू प्ले. इट इज जस्ट डिपेंडेंट, अगर आप पिट टाइप में खराब फाउंडेशन बनाओगे तो वो गलत वेट दिखाएगा, अगर आप पिटलेस में खराब फाउंडेशन बताओगे तो ये गलत वेट दिखाएगा, अगर आप गलत स्ट्रक्चर लोगे या उसको गलत तरीके से इंस्टॉल करोगे वो गलत वेट दिखाएगा. सो इट इज अ मिथ, दिस मिथ नीड्स टू बी बस्टेड. इट इज ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एक गलत फहमी है लोगों के दिमाग में कि पिट टाइप और पिटलेस के अंदर कोई एक्यूरेसी डिफरेंस होता है. सो चूज द पिट type of pitless according to the site you have, according to different conditions, which is even mentioned in our other videos. So do have a look for that. And if you want to know any more things about pit type or pitless and these myths and these strategies, then contact us on the below mentioned email or the number, or leave us a comment in the comment section. We'll be happy to serve you. If not done already, please press on the bell icon below to subscribe to our channel to know more about weight bridges and not to make a loss making decision. Thank you.